छह से आठ महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा, और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुलिस सैंक्शन किए थे, और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी, लेकिन 18 महीने के अलावा 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा, और ये सारे पूले वही हैं जो गिर रही है, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। और पहली बात आप देखिएगा, पुल गिर रहा है, नीट का पेपर या बहाली के पेपर लीक हो रहे हैं, बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसी डबल इंजन की सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई भी आकर के इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो गजब खेल है ये डबल इंजन सरकार का, एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है, यही डबल इंजन की सरकार। और इस बार बिहार की जनता, जो लोग पेपर लीक करवा रहे, जिन लोगों ने बेरोजगारी बढ़ाई है, जिन लोगों ने गरीबी बढ़ाई है, जिन लोगों ने महंगाई बढ़ाई है, जिन लोगों के कार्यकाल में पुल गिरा है, आने वाले समय में इनको सत्ता में लौटने नहीं देगी। चलिए 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 राजनीति कर रहे हैं, चलिए यहाँ लोग बैठ करके पुल गिरवा रहा है। चलो चलिए, बिहार में दर्जन भर से ज्यादा पुल जल समाधि ले लिया, और इसकी जिम्मेदारी सरकार को है। ये संस्थागत भ्रष्टाचार के बड़े प्रमाण है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है, अब कुछ थोथी दलील देने वाले नेताओं का जरा चेहरा देखिए। कोई कह रहा है कि पानी, अधिक पानी पड़ने से पुल जल समाधि ले लिया है। बिहार में कितना अधिक पानी पड़ गया कि जल समाधि ले लिया पुल? पूरा विभाग तो जनता दलियों के कोटे में रही है, सब जानता है, पूरा बिहार जानता है। हत्या, लूट, बलात्कार, मानो बाढ़ से आ गए बिहार में, इसकी भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ले कहां रही है, चेहरा छिपा रही है। जन्मोत्सव अगर घर में नहीं मनेगा ना एनडीए के घर में, तो कहेगा विपक्ष वाला है कारण नहीं हुआ, तो एसपी जी और रैद वाले कारण नहीं हुआ। थोड़ी तो नैतिकता रखी है हायाश्रम बानी में, जिम्मेदारी ले ली होगी। ये संस्थागत भ्रष्टाचार के प्रमाण है पुलों को जल समाधि लेना।